कुंडली भाग्य में अंजुम फकई ने पारस कलनावत का पोयम लिखकर किया वेलकम, वायरल हुआ पोस्ट। कुंडली भाग्य में पारस कलनावत मेन लीड रोल में अब नजर आएंगे, उन्होंने शो में एंट्री कर ली है। इस पर शो की मेन लीड एक्ट्रेस निभाने वाली अंजुम फकई ने उनका एक नोट लिखकर वेलकम किया है। पारस कलनावत शो में श्रद्धा आर्य के बेटे का रोल करते हुए दिखाई देंगे। एकता कपूर का फेमस शो कुंडली भाग्य ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ये पिछले कई सालों से लगातार टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। अब मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि इसमें 20 साल का जनरेशन लीप लाया जाएगा। इसके चलते इस शो में पारस कलनावत, सना सैयद और बसीर अली की एंट्री हुई है। श्रद्धा आर्य, अंजुम फकई जैसे कई कलाकार शो का पार्ट बने रहेंगे। अब अंजुम फकई ने पारस कलनावत का वेलकम एक पोयम के साथ किया। वह इस शो में सृष्टि अरोड़ा लूथरा का रोल करती हुई दिखाई देती हैं। अंजुम फकई ने सोशल मीडिया पर श्रद्धा आर्य और पारस कलनावत के साथ अपनी एक फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी है। उनकी पोस्ट पर पारस कलनावत ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस जेस्टर का स्वागत किया है। कुंडली भाग्य 12 जुलाई 2017 से टीवी पर आ रहा है। ये जी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है। इससे पहले अंजुम फकई ने रोहित के साथ रिश्ते में होने की बात को भी कबूल किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के थ्रू अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया और अपने बॉयफ्रेंड रोहित के बारे में भी अपने फैंस को इन्फॉर्मेशन दी है। उनकी फोटोज पर कई लोगों ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं। ये फोटोज काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। उनके फैंस ने इस पर मजेदार कमेंट्स भी किए। वहीं कई ने उन्हें शादी करने की सलाह भी दे दी है। दोनों फोटो में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। वाले आपका अंजुम फकई की इस पोस्ट पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।